बन रहे सैनिक स्कूल को लेकर वो मुलाकात कर रहे हैं। और भी कई सारे मसले हैं, मुद्दे हैं उत्तराखंड के, जिनको लेकर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, कितने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या शेड्यूल बताया जा रहा है? पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली दौरे पर थे और आज भी हैं, और अभी कल से जो मुलाकात चल रही है, कल तो सबसे पहले मुलाकात अजीत डोभाल से की गई थी, उसके बाद सुबह राजनाथ सिंह से मुलाकात की गई थी, उसके बाद विपिन रावत से की थी, उसके बाद शेखावत से मुलाकात की गई है। अब जो 12 बजे का जो टाइम मिला है सीएम साहब का, जो मुख्यमंत्री सॉरी गृह मंत्री से, वो पार्लियामेंट इस समय गए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 12 बजे का टाइम दे रखा था, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो वो शायद निवास पर नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो इस समय उनके पार्लियामेंट पर पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, शाम को अभी मुलाकात उनके साथ कई लोगों से है, क्योंकि नितिन गडकरी से भी शाम को मुलाकात वक्त मिला है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो इस बार जो उत्तराखंड से आए हैं बहुत बड़ी सौगात लेने के लिए आए हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव भी वहाँ पे नजदीक आ चुके हैं, और इस ऐसे मौसम में, क्योंकि मौसम का भी आकाश है वहाँ पे, मानसून भी इस समय खतरा चल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि आज जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जो दिल्ली आए हुए हैं और सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात पर कोई अहम मुद्दे जरूर होगा, क्योंकि अहम बैठक चल रही है, कोई ना कोई इसमें अहम भूमिका निभा जाए, क्योंकि चाहे राजनाथ सिंह को लेकर बात की जाए तो रक्षा, जो रक्षा को लेकर के बात की गई है, नितिन गडकरी से जो बात होगी, राजमार्ग को लेकर के बात होगी, और अपने जो अमित शाह जी से जो मुलाकात होगी, इसको विकास को लेकर के बात होगी। अब देखना यह होगा कि क्या क्या इनकी मुलाकात हुई है, क्या क्या इनसे बातें की गई हैं, वो तो आप जो पुष्कर सिंह धामी खुद ही बताएंगे जब मुलाकात खत्म होने के हो जाने के बाद। जी अजय, रुद्रप्रयाग में एक सैनिक स्कूल भी बन रहा है, कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी वो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, स्कूल के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ होने वाला है इस स्कूल में? सैनिक, मैंने बताया था राजनाथ सिंह से मुलाकात की सैनिक स्कूल के लिए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने के लिए प्रयास किया था, इससे पहले भी बात की गई थी, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह, उन्होंने भी इस बात को लेकर बात कही गई थी, वही बात पुष्कर सिंह धामी भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर के सबसे अहम भूमिका निभाई जा रही है यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि शिक्षा वहाँ का रहेगा, विकास रहेगा, विकास जब शिक्षा होगी तो विकास हो पाएगा, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है इसी दौरे को लेकर के दिल्ली आए हुए हैं, और भी अन्य कई मुद्दे हैं उत्तराखंड के लिए जो इन मुद्दों को रखा जा रहा है और उनसे मुलाकात की जा रही है। अजय, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।